तो गाइस ये 22 तारीख का वीडियो है जिस दिन मम्मी पापा जी उज्जैन के लिए मतलब जा रहे थे और उनकी टिकट थी मतलब ट्रेन की। तो यहीं पे जो है ना सारी तैयारी मैंने कर दी है, चूरमा वगैरह बना दिया है, मम्मी सब्जी काट रही है, मैं सब्जी बनाऊंगी और पूरियों के लिए आधी पूरी मैंने तल दी, इतने में खाना पैक किया मतलब दूसरा वाला, जैसे कि पूरियाँ। फिर मम्मी जी जो है वो सेकने लगी, मैंने सब्जी छो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गुड आफ्टरनून। अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि तैयारी, ये देखिए पूरियाँ जो है, पूरियाँ भी पैक कर रही हूँ। तो अभी जाने वाले हैं मम्मी पापा। तो बस यहीं पे जो है ना पूरियाँ सारी बना ली है मैंने, और अभी सब्जी बस बनी गई, थोड़ी बहुत कसर थी इसमें तो वो भी बन गया। तो वहाँ पे मैंने पूरियाँ पैक कर दी, सब्जी अभी नहीं डाली है। तो इस ये देखिए, ये इतना बुरा हाल मचा देती है घर का, बहुत ही बुरी तरीके से। तो बस ऐसे ही होते हैं बच्चों को। तो यहीं पे मैंने ना ढक्कन हटा दिया है सब्जी का, ताकि थोड़ी सी जो है इसकी भाप निकल जाए, क्योंकि सफ़र के लंबे सफ़र के लिए जाएंगे। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई मैंने, धनिया डाल दिया है इसमें, थोड़ी सी भाप इसकी निकल जाएगी, उसके बाद मैं इसको पैक करूँगी। तो बस ये मम्मी पापा भी जो है ना रेडी हो गए हैं। तो मैंने बेटी को भी थोड़ी देर छुपाया था, तो अभी आप देखिए इसको मैंने जो है ना थोड़ी सी देर के लिए मतलब अंदर कमरे में ले गई, मैंने सोचा ये सो जाएगी, और ये उस दिन जो है ना सो ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने लाइट भी बंद कर दी, लेकिन इसको पता नहीं क्या था कि इसको मतलब महसूस हो जाता ना बच्चों को कि भाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसके अम्मा बाबा जो है ना जा रहे थे, और हस्बैंड मतलब रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहे थे। तो और वहाँ से दीदी वगैरह सब जो है वहीं पे मिल जाएंगे। तो खाना इसलिए ज़्यादा रखा क्योंकि बच्चों का साथ है, तो भाई वैसे तो सब लोग लेकर आएंगे चारों तरफ से, लेकिन फिर भी जो है ना एक्स्ट्रा मैंने बना के रख दिया है ताकि कम ना पड़े। बच्चों का साथ है तो एक्स्ट्रा जो है ना चीज़ें चाहिए होती है खाने के लिए। तो यहीं पे जो है ना मम्मी बच्चों के लिए पैसे दे रही हैं, किलो चीज़ मंगा देना। तो मैंने कहा नहीं, और ये इतना रोई, इसको पता चल गया कि बाबा माँ जी जा रहे हैं, तो निकल के फटाक से मैं इसको लेकर आई रूम में से। तो मैंने कर लो, फिर मैंने इसको बहुत मुश्किल से बहलाया, कैंडी दी इसको, बहुत मुश्किल से चुप कराया। तो अभी जो है ना बस मम्मी, बस मैं बोल रही थी अच्छे से जाना और अच्छे से अपने दर्शन करके महाकाल के वापस आना। तो मम्मी पापा जो है ना चले गए हैं, अभी जस्ट गए हैं, और इसने ओई ओई की थी है ना, बट अभी मैंने इसको मना लिया है। 3 बजने वाले हैं, तो अभी हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने जब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि खाने में लगी हुई थी, खाना बनाया, जैसे कि आपने देखा पूरियां सब्जी वगैरह सब, चूरमा वगैरह बनाया, तो खाना वगैरह सब पैक कर दिया था हस्बैंड के आने से पहले ही, मतलब सब पैकिंग कर दिया। और मैंने बाल अभी नहीं कॉम्ब किए हैं, मतलब कंघी नहीं किए हैं, तो बाल आप ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि मैं मेरा है आज फास्ट, और आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं किया। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में ही हल्का से मंदिर में से ही मैं टीका लगा के आई थी, और वो सब हट गया, और फिर किचन में ही लग रही थी ना काफ़ी देर से। तो मम्मी ने भी हेल्प कराई काफ़ी ज़्यादा, मैंने पराठे बना बना के दिए, मम्मी ने जो है चूरमा बनाया, ठीक है, मम्मी ने सब्जी काट दी थी, मैंने छौंक दी थी, तो मम्मी ने पूरियाँ तल दी थी, दोनों ने कर लिया, सास बहू ने मिलकर कर लिया दोनों ने काम सारा। तो बस सब कुछ पैक कर दिया था उनका, और प्लेट वगैरह भी जो डिस्पोजल प्लेट्स होती हैं वो उनको रख दिए, ताकि खाने में आसानी हो, खाना आराम से डाल के जो है ना। और ये जो है मैंने इसको कमरे में, आपने देखा था ना अंधेरे में, मैंने इसको बंद किया हुआ मतलब बिठाया हुआ था कि भाई सो जाओ, आज ये सोई भी नहीं, क्योंकि मैं लेट कर जब इसे सुलाती हूँ तो सोती है। और कैंडी लाए हैं पापा, 2 पैकेट लाए थे, एक वहाँ बच्चों के लिए रख दिया है, एक घर पे रख दिया है कैंडी का। तो इसको पता चला कि बाबा माँ जी जा रहे हैं, तो फिर मैंने इसको बहुत मुश्किल से चुप कराया है, बहलाया है कि हम भी चलेंगे। कहाँ चलेंगे बाबू? मॉल में चलेंगे, बस एक ही रट रहती है इसको कि मॉल में चलेंगे, जाएंगे इनको लेकर, इनके पापा बोल रहे थे, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि भाई हम रह गए हैं, सब गए हैं, तो सब लोग गए हैं, जैसे कि मेरे जो बड़े वाले नंदेऊ हैं वो नहीं गए हैं, और बीच वाले नंदेऊ गए हैं, और सबसे छोटे वाले सीक्रेट कुछ भी नहीं। तो आज फास्ट है मेरा सोमवार का, वैसे नॉर्मली मैंने बोला हुआ था
तो बस वही मैं व्रत कर रही हूँ सोमवार के। खाना खाऊंगी शाम को, जैसे सब्जी रोटी खाऊंगी। तो अभी बस बड़ी बेटी भी मेरी स्कूल से आने वाली है ना दीदी, आने वाली है ना। ये 3 कैंडी खा चुकी है और मैंने जब इसको डांटा तो रोने लगी। फिर तो मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डांटा क्योंकि अभी तो मुश्किल से चुप कराया है, इसलिए है ना। अच्छी बात नहीं होती ना इतनी कैंडी खाना। तो क्यों खाते हो आप बेटा, क्यों खाते हो बताओ मम्मा को। हाँ सो जाओ अब, आप नींद कर लो। इससे सारा दिन टाइम पास होता है। ये जितनी हरकतें करती है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे नहीं सबको अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, उसका भी रिएक्शन देखती हूँ कैसा होता है, क्योंकि उसका भी बहुत मन था जाने का लेकिन मैंने नहीं भेजा उसको। तो मैंने कहा नहीं अब इसको रहने दीजिए पापा जी। वो हरिद्वार चली गई थी एक बार, अभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाते क्योंकि वो रात में ही गए थे पापा मम्मी और पूर्वी, और रात में ही वो लोग आ गए थे। तो ब्लॉग बनाने का मतलब मुझे कुछ भी याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, तो मैं वो चीज़ में भूल ही गई ना, उनका आने का शूट किया ना जाने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो दीदी आ गई। दीदी आ, बोलो फिर से बोलो। दीदी आ गई। तो दीदी आ गई है इसकी गाइज, और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि उसका रिएक्शन देखना है कि कैसा रहेगा। कैसा रिएक्शन था इसका? ओ गए बाबा माँ जी, मैंने कहा हाँ गए। तो इसको रास्ते में यहाँ जहाँ बस स्टॉप पे ये उतरती है ना, तो इसने देखा था पापा जी को। पापा जो है, मम्मी पापा जो है ना, बहुत अच्छे से गए थे, उन्होंने दर्शन भी बहुत अच्छे से किए थे। लेकिन जो 24 तारीख को हुआ ना, ऐसा मतलब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो मैं आपसे बातें कर रही थी, मैंने उसका वॉल्यूम जो है म्यूट कर दिया था, और मुझे ये बात आपको बतानी थी कि बहुत बुरा हुआ, मम्मी जी की जो छोटी वाली भाभी हैं वो एक्सपायर हो गई, और बहुत दुख, मतलब हमें बहुत शॉक लगा एकदम से। तो बस, और मैं इससे आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि मतलब कैसे हमने मम्मी को बताया कि नहीं बताया, वो कब आए उज्जैन से, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे टाइम तो लगता है ये जाने के बाद, काफ़ी दूर है। तो कितने दिन में वो आए, तो आप ज़रूर देखना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो।